वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माय स्किल क्लासेस में। और ये हमारी पाइथन की सीरीज है, और आज इस सीरीज में हम लोग एक नया प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हम लोग लिस्ट के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करेंगे। कोई भी लिस्ट एक लेंगे और उसको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करेंगे, और इसको हम लोग 5 तरीकों से बनाएंगे। 5 मेथड हम यूज़ करेंगे इसको, अलग अलग तरीकों से बना के देखेंगे, जिससे कि हमें ये लॉजिक भी पता चल जाए कैसे स्वैप करना है और कौन सा ऑपरेटर का क्या यूज है, उसे कैसे यूज में लाना है, कौन सा बेटर रहेगा, वो भी हम जान लें। पांचों लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग अपना मोटिव हमने बता दिया, तो फाइल ने हमने बना दिया स्वैप लिस्ट नाम से, और यहाँ पे हमने ये बता दिया किस किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। टेम्प ऑपरेटर, कॉमा, गेट, स्टार और पॉप इंसर्ट का यूज करके हम लोग बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं df। 5 फंक्शन बनाएंगे। पहला बनाते हैं स्वैप वन, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। एक लिस्ट लेते हैं l इक्वल टू, इसमें कोई एलिमेंट डाल देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये एलिमेंट हमने डाल दिया, सेव कर लेते हैं। एक लिस्ट बन गई। अब इसको स्वैप करना है अगर आपको, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक साइज नाम से वेरिएबल ले लेते हैं। साइज इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेन ऑफ एल निकाल लेंगे हम लोग। जब साइज में हमारे पास लेंथ आ जाएगी, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे। टेम्प इक्वल टू एल ऑफ साइज, साइज माइनस वन कर देंगे। जितनी भी साइज उससे एक माइनस वन करेंगे, तो हमें लास्ट एलिमेंट इसमें मिल जाएगा। ये जीरो वाले से स्टार्ट करते हैं, पहले जीरो इंडेक्स के एलिमेंट हटा लेते हैं। एल ऑफ जीरो साइज टेम्प में डाल देंगे, और फिर जो है एल ऑफ जीरो को अपडेट करेंगे हम लोग एल ऑफ साइज माइनस वन से, जैसा कि हम नॉर्मल स्वैपिंग में करते हैं टेम्प वेरिएबल यूज करके, सबसे आसान वाला होता है। और फिर जब हमारा ये लास्ट एलिमेंट अपडेट हो गया, तो एल ऑफ साइज माइनस वन में हम लोग क्या करेंगे, साइज माइनस वन में असाइन कर देंगे टेम्प को, ठीक है। तो ये हमारी दोनों हो गई। अब हम अपना चाहे तो लिस्ट को प्रिंट कर लें, यहाँ प्रिंट कर लेते हैं हम लोग प्रिंट डबल कोट्स ओरिजिनल लिस्ट इज, ओरिजिनल लिस्ट इज जो है यहाँ पर रहेगी, कॉमा करके एल को प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसके बाद प्रिंट करते हैं प्रिंट लिस्ट आफ्टर स्वैपिंग, या बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग कर देते हैं, ये अच्छा लगेगा। बिफोर स्वैपिंग ing list is it आप, और इसमें लिख देते हैं हम लोग आफ्टर स्वैपिंग, ए कैपिटल कर देते हैं, आफ्टर स्वैपिंग लिस्ट इज, ठीक है। और फिर सेल को प्रिंट कर देते हैं कॉमा एल। तो पहले ये करके देख लेते हैं क्या स्वैप हुआ है कि नहीं नंबर। तो ये हमने नॉर्मल तरीके से किया है कि जीरो एलिमेंट को हटाया, यहाँ टू से टू हट गया, यहाँ से टेम्प में आ गया, फिर जीरो में लास्ट डाल दिया, सेवन आ गया, फिर सेवन की जगह पे जो है डाल दिया। पाइथन से रन करते हैं इसको, पाइथन का यूज करते हैं, पाइथन स्पेस एस डब्ल्यू ए, स्वैप लिस्ट स्वैप एलिमेंट आ गया, एंटर करते हैं। कुछ हुआ नहीं क्योंकि फंक्शन कॉल करना मैं भूल गया, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। स्वैप वन नाम है इसका, नहीं इधर नहीं, इस साइड रहेगा स्वैप वन। अब रन होगा, चेक करते हैं। तो बिफोर स्वैपिंग देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 था, और आफ्टर स्वैपिंग 7 और टू लास्ट में, तो 2 और 7 का हमने एक्सचेंज करते हैं। पहला मेथड हमारा ठीक चल रहा है, दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरे में हम लोग फिर से स्वैप टू बनाते हैं, पी ए स्वैप एस डब्ल्यू ए पी स्वैप
नाम से, और यहाँ पे जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें फिर एक लिस्ट ले लेते हैं एल इक्वल टू, इसका एलिमेंट रख देते हैं हम लोग, रखते हैं 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50 कर देते हैं और 60 कर देते हैं। ठीक है, इसमें इतने एलिमेंट हैं, इसको हम लोग करेंगे। दूसरा हमारा कौन सा मेथड है, कॉमा ऑपरेटर से करना है। कॉमा ऑपरेटर से पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, ये चीज़ हम पहले कर लेते हैं। ये लाइन कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। उसके बाद जो है ये क्या हो गया, इस तो थोड़ा इधर करो। अब इसके बाद जो है सर्फिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, एल ऑफ 0 कॉमा एल ऑफ -1 इक्वल टू एल ऑफ -1 कॉमा एल ऑफ 0 असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले में असाइन हो जाएगा और फर्स्ट वाला लास्ट वाले में असाइन हो जाएगा। अब अगर हम प्रिंट करेंगे लिस्ट को, ये वाला अगर लाइन हम स्टार्ट करते हैं प्रिंट करते हैं, तो हमारा ये स्वैप हो चुका रहेगा। सेव करते हैं और स्वैप टू को कॉल करते हैं। स्वैप टू कॉल हो गया। स्वैप वन को हम लोग जो है कमेंट कर देते हैं और चेक करते हैं अब क्या होता है। ऊपर आते हैं, यहाँ सी एल एस करते हैं और फिर से रन करते हैं। देखिए पहला बिफोर स्वैपिंग हमारी लिस्ट 10, 20, 30, 40, 50, 60, आफ्टर स्वैपिंग आ गई 8 और 10 और 60 का हमने एक्सचेंज कर दिया। तो ये दूसरा तरीका हमारा हो गया। तीसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे कि जो है एक और मेथड बनाएंगे डेफ स्वैप 3 नाम से। तो ये सारे प्रोग्राम नॉर्मल है, लेकिन आपको तरीके सारे इसमें पता चल जाएंगे कैसे कैसे आपको यूज़ करना है, तो आप उसे यूज़ कर पाएंगे। तो कॉमा ऑपरेटर से भी ये काम हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसी बताने के लिए ये ट्यूटोरियल चल ही रहा है कि हम प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकल वे में सीखें, ना कि थ्योरेटिकल वे में, ताकि हम सारे उसके कॉन्सेप्ट जान सकें। तीसरा हमारा यहाँ पे कौन सा तरीका हमने लिख रखा है, तीसरा है गेट ऑपरेटर यूज़ करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ फिर एक लिस्ट बनाते हैं एल इक्वल टू, इसमें लिख देते हैं 70, 80, 90, 100, 110, 120। ठीक है, ये हमारा लिस्ट हो गया है और इसको अब स्वैप करना है। इसको सर्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट ऑपरेटर का यूज करेंगे। गेट इक्वल टू एल ऑफ 0 कॉमा एल ऑफ -1, ये हो गया। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑपरेटर आपको पता चल जाए गेट करता क्या है। गेट हमारा एक टपल में जो है स्टोर करेगा, और अगर हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करें तो एल ऑफ -1 कॉमा एल ऑफ 0 इक्वल टू गेट, ये अगर हम कर देते हैं तो हमारी लिस्ट स्वैप हो गई। अगर आप चाहें तो ये गेट कैसे काम करता है इसको यहाँ हम लोग देख सकते हैं। ये एक हमें टपल असाइन कर देगा जिसमें दोनों एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे, और फिर ये अगर हम इसको रिवर्स में कर देंगे तो दोनों टपल की वैल्यू इन दोनों पोजीशन पे जो है असाइन कर देगा। चेक करते हैं, इसको कॉल करते हैं फंक्शन को अपने स्वैप 3 को पहले, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। ये भी एक काम है हमारे पास, इसको खोलना है स्वैप 3, ये हमारे पास स्वैप 3 हो गया। स्वैप 2 को भी अब हम लोग कमेंट कर देते हैं, इसका काम हो गया। स्वैप 2 कमेंट है, स्वैप 3 सेव कंट्रोल एस से और सी एल एस करते हैं
और फिर से रन करते हैं। तो हमने ये लिस्ट प्रिंट नहीं किया, एक चक्कर लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं, ये दोनों लाइन कहाँ थी, वाली लाइन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये कुछ हुआ नहीं। बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग या आफ्टर स्वैपिंग हो गया, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ गेट, तो वैल्यू ऑफ गेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल एस से सेव, प्रोग्राम को सीएलएस करते हैं, ऑपरेशन रन करते हैं। तो ये देखिए बिफोर स्वैपिंग हमारे पास ये 70 80, लास्ट में 120 था, और जब हमने गेट फंक्शन को यूज़ किया तो इसमें 70 और 120 इंडेक्स के दोनों वैल्यू इसमें टपल के रूप में आ गए। और फिर हमने उसको रिवर्स किया तो ये दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, 120 पहले पोजीशन पे आ गया और 70 लास्ट पोजीशन पे चला गया। तो ये भी एक मेथड हो गया गेट के थ्रू हमारा। ये हमारा तीसरा मेथड था, स्टेप थ्री। चौथे में हम लोग डॉट ऑप ये एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और इसको चेक करते हैं, इसको यहाँ पे फिर से डिफाइन करते हैं टेप स्वैप फोर, और यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ फिर एक लिस्ट ले लेते हैं एल, और लिस्ट का एलिमेंट मैं इसलिए बदल दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि वही लिस्ट पे काम नहीं हो रहा। वैसे भी आप समझते होंगे लोकल वेरिएबल है तो वो हम इस फंक्शन में एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस वाले एल को, लेकिन फिर भी मैं इसका कंटेंट बदल दे रहा हूँ। तो हम इसका कंटेंट रख देते हैं 12 13 14 15 16 17, ठीक है, ये कंटेंट हमने रख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टार्ट नाम से वेरिएबल लेते हैं, स्टार्ट कॉमा एम एस्ट्रिक एम आई डबल डी एल ए मिडिल कॉमा एंड कर लेते हैं इक्वल टू एल कर देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे लिस्ट इक्वल टू, एक नई लिस्ट बना देंगे हम लोग यहाँ पे एंड कॉमा मिडिल, मिडिल स्टार से रहेगा, स्टार कॉमा स्टार्ट, ठीक है, ये काम हम कर देंगे। और यहाँ पे हम ये लाइन अपने प्रिंट कर लेंगे बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल जेड, सारे कंट्रोल में दबा दूंगा, ठीक है। और ये कहाँ का कॉपी हो रहा है, ये इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ प्रिंट करते हैं कंट्रोल वी, तो ये हो गया। अब अगर आप इसकी वैल्यू हम प्रिंट करके दिखाएं तो ये भी एक चक्कर प्रिंट कर लेते हैं, या पहले आउटपुट देख लेते हैं फिर उसके बाद मैं इसकी वैल्यू भी आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि आखिर ये स्टार्ट मिडिल और एंड का कंटेंट है क्या। और इस फंक्शन को कॉल करते हैं एस डब्ल्यू ए पी स्वैप, स्वैप फोर इसका नाम है, कॉल कर लेते हैं, स्वैप थ्री को कमेंट कर देते हैं, स्वैप फोर कॉल हो रहा, सेव करते हैं, लिस्ट को चेक करते हैं, सीएलएस देखते हैं काम हो रहा कि नहीं। ये देखिए पहला एलिमेंट हमारा 12 13 17 तक था, और स्वैपिंग के बाद ये 17 इस तरफ आ गया, 12 इस तरफ आ गया, ये हमारा एस्ट्रिक ऑपरेटर से हुआ है। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, आप यहाँ पे चेक करेंगे, अगर प्रिंट कर दूँ मैं प्रिंट स्टार्ट और फिर प्रिंट मिडिल एस्ट्रिक एम आई मिडिल, और इसमें प्रिंट करूँ मैं प्रिंट एंड, तो अगर मैं इन चीज़ों को प्रिंट कर दूँ
इसमें होता यह है कि आपके लिस्ट का पहला एलिमेंट स्टार्ट में आ जाता है, लास्ट एलिमेंट एंड में आ जाता है, और बाकी सारे एलिमेंट जो है एक लिस्ट के फॉर्म में इस मिडिल वाले में स्टोर हो जाते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ तो आपको ये दिखाई देगा कि कैसे कैसे हो रहा है। तो ये देखिए, पहला एलिमेंट स्टार्ट में, बीच के सारे एलिमेंट 16 तक एक अलग लिस्ट में आ गए हैं, और ये लास्ट एलिमेंट 17 में आ गया। अगर मैं स्टार्ट ना करूँ यहाँ पे, इसको सिर्फ मिडिल करूँ तो आपको लिस्ट दिख भी जाएगी, स्टार उसकी वैल्यू पे काम कर रहा है। TLS, ये देखिए लिस्ट आपको दिख रही है, पहला एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, और जो मिडिल स्टार वाला था उसके अंदर पूरी लिस्ट। अगर आपको इसको वो करना है, स्लाइस करना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दो एलिमेंट अलग हो जाएंगे और बाकी एलिमेंट एक साथ रहेंगे, आप फिर से इसको ऐड कर दीजिए। तो ये भी एक मेथड है लिस्ट को स्वैप करने का। चौथा हो गया, पांचवा हमारा लास्ट मेथड है पॉप इंसर्ट और अपेंड का यूज़ करके। तो ये तो उस फंक्शन का यूज़ करना हम बस सीखेंगे यहाँ पे कैसे होता है। डेफ स्वैप पाइप और यहाँ पे स्टार करते हैं, इक्वल टू नहीं रहेगा, इक्वल टू लगाने की आदत ज़्यादा ही हो गई है कुछ। स्वैप पाइप, यहाँ भी एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट में लिस्ट इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग डालते हैं 21, 23, 25, 27, जो भी नंबर जा रहा 35 ही सही, 33, ठीक है, इतने एलिमेंट सही हैं। स्वैपिंग तो करनी है, कौन सा हमें उसके साथ खेल खेलना। तो स्वैपिंग यहाँ तक के लिए लिस्ट हो गई हमारी। अब हम लोग एक एफ नाम से वेरिएबल लेंगे और एल डॉट पॉप करेंगे, जीरो इंडेक्स का एलिमेंट पॉप करेंगे, और फिर एक ई नाम से वेरिएबल लेंगे, और फिर एल डॉट पॉप लगाएंगे हम लोग, और इसमें जो है लास्ट एलिमेंट को पॉप कर लेंगे। जीरो पे हमें 21 मिल जाएगा, लास्ट पे 33 मिल जाएगा, और फिर इंसर्ट करेंगे एल डॉट इंसर्ट, जीरो पे इंसर्ट कर दो ई को, ठीक है, और एल डॉट अपेंड करेंगे हम लोग, और अपेंड में हम लोग कर देंगे यहाँ पे एफ को अपेंड कर दो लास्ट में। अब हमारा ये लाइनिंग अप कॉपी कर लेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं, बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग, इसको यहाँ डाल देंगे कंट्रोल बी, और इसको उठा के जो है कंट्रोल सी, और इसको डाल देंगे यहाँ पर। तो ये हमने क्या किया कि एलिमेंट पॉप कर लिए जीरो और वन पे। इस तरह से आप लिस्ट के एलिमेंट पॉप कर सकते हैं, और अगर स्पेसिफाइड पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जीरो पे इंसर्ट करना है, और लास्ट में कुछ लगाना है तो अपेंड का यूज़ करेंगे और वो एलिमेंट पास कर देंगे, लास्ट में जाके अपेंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन को चला के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। यहाँ पे स्वैप पाइप करते हैं, स्वैप पाइप, और स्वैप फोर को कमेंट कर देते हैं, स्वैप फोर कमेंट हो गया, सेव कर देते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है। CLS करते हैं, CLS रन, तो ये हमारा एलिमेंट स्वैप हो गया। बिफोर स्वैपिंग 21, 35, 21 और 35 इस पर करते हैं, आफ्टर स्वैपिंग 35 और 21, पोजीशन एक्सचेंज हो गई। ये चार पांचों तरीके हमने देख लिए यहाँ पर आपको। तो प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप जाते जाते हम लोग अपना एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट डबल कोट्स में, और जो वादा करो उसे पूरा जरूर करो, ठीक है। तो ये हमारा आज का मैसेज भी हो गया, जिंदगी में आप जो भी वादा किसी से करिए उसे पूरा जरूर करिए, ताकि आपकी एक रिलायबिलिटी बनी रहे। और ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोगों ने अपनी लाइफ से हटा दिया है, इस वजह से हमारी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है।
अगर इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं तो हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो जाए और काफ़ी एक्साइटिंग हो जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को जो है फिर से प्ले करते हैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम, और यह हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। तो ठीक है, ये 5 तरीके हमें आपको बताने थे, बता दिए हैं, तो इनको गौर से देखिएगा, समझ में ना आए तो वीडियो पीछे करके देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके हैं और काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको पता चले होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।